बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अब पासवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको पहले अपनी सेटिंग में चले जाना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और भी मैं लाने वाला हूँ। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो अपना विंडो आइकन होता है उस पर जाना है। अब आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, सिस्टम, डिवाइस, फ़ोन नेटवर्क वगैरह वगैरह। आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको 6 ऑप्शन पे आ जाना है, 7 ऑप्शन पे आ जाना है। 7 ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन इन ऑप्शन। साइन इन ऑप्शन का मतलब है जब आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, वो आपको एंटर करना पड़ेगा, उसके आगे विंडो स्टार्ट होगी आपकी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा विंडो हेलो फेस। इसके बाद आपको दिख रहा होगा विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट। अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है तो आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होगा आपका। इसके नीचे आप देखेंगे विंडो हेलो पिन, और उससे पहले आपको सिक्योरिटी की भी दिख जाएगी यहाँ पे। इसमें क्या है कि आपको एक फिजिकल डिवाइस जो पेन ड्राइव वगैरह होती है वो लगानी पड़ेगी जब आपका लैपटॉप ऑन होगा, वो की होती है एक। अब पासवर्ड जो होता है, आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, अपना नाम वगैरह जो भी है। पिक्चर पासवर्ड जो होता है, आपको एक पिक्चर होगी वहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए पहले क्या कह रहा है, यू मस्ट एडिट ए पासवर्ड बिफोर यू कैन यूज द साइन इन ऑप्शन। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सभी ऑप्शन ऑन होंगे। तो चलिए हम पासवर्ड डालते हैं। पहले पासवर्ड हम एडिट करते हैं। आपको पासवर्ड डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं। आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। अब पासवर्ड हिंट में आप ऐसा कुछ डालिए जो आपको याद रहे, ताकि वो हिंट में दिखाए आपको। इसके बाद करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो लग चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना होगा कि अब दूसरा पासवर्ड आप कौन सा लगा सकते हैं। जैसा कि आप मैंने बताया था, आपको पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर बाकी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर पासवर्ड भी अब मैं लगा सकता हूँ, और यहाँ पे पिन भी लगा सकता हूँ। फिंगरप्रिंट अगर आपके लैपटॉप में है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं विंडो हेलो फिंगरप्रिंट, अगर पहले क्या है आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सेटअप पे जाकर अपना फिंगरप्रिंट देना होगा, ऑटोमेटिकली डिजिट हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसा कि आप दिख रहे हो पिन डाल सकते हैं यहाँ पे विंडो हेलो पिन। हम पिन भी एडिट कर देते हैं अपना। एडिट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ये पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपसे पिन मांगेगा, आप जो भी पिन रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए यहाँ पे। 4 डिजिट पिन या 6 डिजिट पिन डाल सकते हैं। ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद कुछ टाइम में ये जो पिन होता है आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप लॉक करेंगे तो ये जब आप ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन मांगेगा आपसे।